अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फ्रेश फ्रॉम द ओवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही छोटी छोटी सी रेसिपीज भी लेके आई हूँ, हेल्दी ऑप्शंस एंड द बिजनेस आइडियाज टू, अलोंग विद सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑल्सो शेयरिंग माई डेली रूटीन। आई मीन नॉट एक्चुअली द डेली रूटीन, जो आज की मेरी रूटीन थी वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सो ये आप लोग देख सकते हैं, फ्यू ग्लिम्पसेस ऑफ द ऑर्डर्स आर एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो और बाकी के जो है वो आप लोग एंड देखेंगे। और बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स और ऐसी डिशेस थी जो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जल्दी थी पैकिंग रैपिंग की और मैं क्लाइंट को लेट नहीं करना चाहती थी, सो इस वजह से वो मैंने उनकी पिक्चर्स ले ही नहीं सकी, आई कुडंट मैनेज देम। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम लोगों का है ये जी चाट। मैंने बनाई थी चना चाट, यानी चना बीन चाट और साथ में ब्लैक चना चाट, दो किस्म की मैंने चाट्स थी सुबह पे और इनको मैंने रात को सोक कर दिया था, इसीलिए आपको ये जो वीडियो है ये थोड़ी डार्क डार्क लग रही होगी, बिकॉज ये मैंने रात के वक्त शूट की थी, तो इसी वजह से इसको मैंने रेड बीन्स को, व्हाइट चनों को और ब्लैक चनों को सबको मैंने भिगो दिया था ओवरनाइट। एक किलो मैंने सफेद चने लिए थे, उसमें मैंने 1 टीस्पून मीठा सोडा डाला और रेड बीन्स और काले चनों में आधा आधा टीस्पून, क्योंकि वो मैंने हाफ हाफ केजी लिए थे। ओवरनाइट सोक करने के बाद सुबह मैंने उनका पानी सारा रिंस कर दिया, अच्छे से धो लिया और उसके बाद मैंने उनको अच्छे तरीके से तीनों को, मैंने तीनों चीजों को अलग अलग बॉइल कर लिया। और आप लोग देख सकते हैं चनों का साइज कितना अच्छा फूल चुका है और अब इसको मैं बॉइल कर लूंगी इतना कि ये बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। लाल लोबिया को भी और काले चनों को भी इसी तरह से मैंने अच्छे से वॉश किया और उनको भी मैंने अच्छा सा बॉईल कर लिया इतना कि वो टेंडर हो जाए। इमली भी मैंने रात ही को सर्व कर दी थी और वो भी मैंने, जैसे ये ग्रेन्स बॉईल हुए इसके साथ साइड बाय साइड मैंने इमली की चटनी भी रेडी कर ली थी। सारे के सारे हमारे जो ग्रेन्स हैं वो बहुत अच्छे से टेंडर हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गए, इनको बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और मैंने किसी को भी प्रेशर कुक नहीं किया, इसी तरह से पतीलों में ही मैंने इनको बॉईल किया था ताकि जैसे ये टेंडर हो पता चल जाए और फिर आप ये कि चूल्हा बंद कर दें फौरन। फिर सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया, सैलड का आटा, पुदीना, इमली की चटनी, थोड़ा सा काला नमक, लेमन जूस और चाट मसाला, इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, दो किस्म की चाट्स बनाई थी। जो चना और रेड बीन चाट थी, यानी चना लोबिया चाट, उसके अंदर मैंने थोड़े से एप्पल्स भी ऐड किए थे, क्रंची वाले, क्रिस्पी वाले, और जो काली चना चाट थी वो बिल्कुल से स्ट्रीट स्टाइल बनी थी और दोनों की मुझे बहुत ही तारीफ है। और इसके बाद जी अब आपके लिए छोटी छोटी दो सैलड्स की रेसिपीज़ हैं, विच इंक्लूड्स द हेल्दी बीन सैलड एज वेल एज द वॉलड्रॉफ सैलड। प्लस मुझे किसी ने पूछा था कि प्लीज़ अपनी नाइफ्स के बारे में बताएं, तो ये है जी मास्टर की नाइफ, ये बहुत ही अच्छी नाइफ है और ये मैंने इम्तियाज से बाई की थी। इसके अलावा जो दूसरी नाइफ मैं यूज़ करती हूँ ये कीवी की नाइफ है और ये मैंने अल्फता से बाई की थी, ये भी शेफ्स नाइफ है, इसका राउंड सा ब्लेड है आगे से, कर्व सा थोड़ा सा, और ये भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा पेयरिंग नाइफ है, इसका तो मैंने पूरा का पूरा, वो जो एक होता है ना पत्ता सा, वो मैंने पूरा ही बाय कर लिया था छोटी वाली नाइफ का। सो अभी ये शाम के 4 बजे हुए हैं और ये मेरे पास कुछ हेलपिनोज और ऑलिव्स के बड़े वाले टेंस आए थे, जो छोटी बॉटल्स हैं वो मैं आप लोग को भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोग बाय ना करें, इंस्टेड आप लोग ये बड़ी पैकेजिंग्स बाय करें, बिकॉज ये उससे बहुत बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल रहती हैं। तो जो वो हेलपिनोस का जार है यानी टिन है वो दैट इज 2700 ग्राम्स का और दैट कॉस्टेड मी 1750 रुपीज, और ये जो ब्लैक ऑलिव्स का जार है ये है तकरीबन 2.25 kg का और इट दिस वन कॉस्टेड मी अराउंड 2250, यस 2250। सो जो आप एक सिंगल जार लेते हैं हेलपिनोज का या फिर जो ग्लास जार्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, उसकी नस्बत ये 1/4 कॉस्ट आपको आती है, सो बल्क बाय करें। अच्छा अब ये शाम के तकरीबन 4 बज चुके थे और मैंने पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिग ऑर्डर्स दिए हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से, मुझे फीडबैक भी उसके बहुत अच्छा है, एंड पे मैंने फीडबैक भी पोस्ट किए हैं, वो कस्टमर ने फर्स्ट टाइम मुझे ऑर्डर किया था एंड शी वॉज सुपर सुपर हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, और अब उन्होंने अपने कल के फंक्शन के लिए भी दोबारा से मुझे ही ऑर्डर किया। सो ये मैंने एक बहुत अच्छा सा हेल्दी सा अपने लिए सैलड बना लिया था, बल्कि मैंने दो किस्म के बनाए थे, अभी आप नेक्स्ट सैलड देखिएगा, दैट वॉज वॉलड्रॉफ सैलड और इसमें मैंने सारे के सारे अच्छे हेल्थी इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए थे लाइक क्यूकम्बर, टमेटोज और अनियंस, इसके अलावा मैंने थोड़ा सा एप्पल ऐड किया था और रेड बीन्स जो मैंने बॉयल किए बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के, और स्वीट कॉर्नस ऐड किए थे एंड दैट्स इट। उसके अलावा इमली की चटनी और मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया, इसके अलावा कोई मसाला ऐड नहीं किया था, इट वॉज सो गुड ऑन इट्स ओन। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड करते हैं, मैं कर सकते हैं, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। अब वॉलड्रॉफ सैलड के लिए मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून्स ऑफ मेयोनीज यूज किया, उसमें मैंने डाल दिया तकरीबन हाफ एन एप्पल और साथ में कैबेज थोड़ी सी और ग्रेप्स काट के डाल दिए, और वॉलड्रॉफ सैलड में जो वॉलनट्स होते हैं वो बहुत ही नेसेसरी पार्ट है, सो मैंने वो थोड़े से इसको मिक्स करने के बाद क्रश करके डाल दिया। आप देखिए बिल्कुल से लाइट सी ड्रेसिंग है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड अ डैश ऑफ सॉल्ट, मैंने इसमें कोई भी किस्म का मीठा ऐड नहीं किया था, आप लोग चाहें तो लिटिल ड्रिजल ऑफ हनी ऐड कर सकते हैं।
उससे ये है कि थोड़ा सा स्वीटर साइड पे हो जाता है। और इसके अलावा बस मैंने वॉलनट्स एंड पे ऐड की और ये हमारा बहुत ही हेल्दी सा सैलड रेडी हो गया। मुझे ना बहुत लाइट ड्रेसिंग वाले सैलड अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर क्रीमी या फिर बहुत ज़्यादा मेयोनीज़ हो तो मुझे नहीं अच्छे लगते। सो आई जस्ट मेड दैट विद लिटल मेयोनीज़, तो आप लोग भी ट्राई करें। अच्छा, अगर आप ख़ुद खा रहे हैं तो भी ये बहुत हेल्दी ऑप्शंस हैं, और अगर आप लोगों ने इसका बिज़नेस करना है इसको, क्योंकि ये मोस्टली आमतौर पे चीज़ें मिलती तो हैं और लोग पसंद भी बहुत करते हैं बट इकोनॉमिकल नहीं रहती, बाहर से बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो आप लोग, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया, आप लोगों ने देखा होगा कि चार्ट्स को मैंने कैसे कप्स में डाल के, और इसके साथ मैंने छोटा छोटा सा पैकेट ना पापड़ी या सेव का आप साथ ज़रूर दें, क्योंकि चना चाट के साथ या बूंदी चाट के साथ सेव और पापड़ी का बहुत मज़ा आता है। सो और वो मैंने 220 में सेल किया था और चार्ट्स की बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ़ें आई थी। अच्छा, जब आप लोगों ने ये बड़े जार्स खोल लिए हैं तो मेरे पास बहुत सारे ग्लास जार्स पड़े हुए थे इन्हीं हेलोपिनोज और ऑलिव्स के, बिकॉज आई यूज़ टू बाय द ग्लास जार्स पहले, लेकिन अब तो मैं बल्क पैकिंग ही बाय करती हूँ, तो मैंने उसी के अंदर ही इसको रिज़र्व कर लिया। और बस आप ये ध्यान करें कि जब आप इसको फिल करें तो जो पानी है ना इसका, ऑलिव्स का, वो सारा का सारा या हेलोपिनोज का, वो इसके साथ जाए ताकि आपके ड्राई ना हो। अब ये जी है मेरे कुछ डिज़र्ट्स, जो कि सुबह ये 50 कप्स थे, 50 इंडिविजुअल सर्विंग्स ऑफ डिज़र्ट्स थे। ये मिल्क केक ट्राइफल था और इसके ऊपर मैंने लोटस भी ऐड किया था, क्रीम एंड देन द सैंड ऑफ मारी बिस्किट्स। और इसके अलावा थी जी बिरयानी और साथ में बारबेक्यू प्लेटर्स भी थे, और इसके अलावा सेज़र सैलड था, बहुत सारे रायते और चटनीस थी, सैलड्स थे, इंडिविजुअल पैकिंग्स भी थी और इस तरह से फैमिली साइज प्लेटर्स में सर्विंग्स भी थी। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इट वेंट सो वेल एंड माय क्लाइंट, जैसे वो खुश थी और जैसे उन्होंने मुझे फीडबैक दिया ना, आई जस्ट फेल्ट ओवर द मून। तो आप लोग भी कोशिश करें कि कोई भी चीज़ आपके रास्ते में हर्डल ना बने, और आप लोग पूरी की पूरी फोर्स के साथ काम करें, दिल लगा के काम करें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बहुत बहुत ज़रूर कामयाबियाँ देता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर फॉर नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।